बच्चे पैदा करना वाजिब नहीं, मगर बच्चे की तरबियत करना वाजिब है। बच्चे पैदा करना वाजिब नहीं, मगर बच्चे की तरबियत करना वाजिब है। और कल आपने सुना कि जो शख्स बच्चे की तरबियत नहीं करता, खुद नमाज पढ़ता है मगर जहन्नुम में जाता है। खातून हिजाब करती है मगर जहन्नुम में जाती है। क्यों? क्योंकि बच्ची को हिजाब नहीं सिखाया, क्योंकि बच्चे को नमाज नहीं सिखाई। और आज मैं एक हदीस सुनाने वाला हूं, बड़ी खतरनाक हदीस है, इताअत रसूल से कनेक्टेड है, बहुत जरूरी हदीस है और बहुत सख्त हदीस है। मैंने सुबह की मजलिस में सुना है, एक बूढ़ा आ गया, उसने कहा आगा साहब ये हदीस फिर न सुनाइएगा, कम से कम इस अंदाज से न सुनाइएगा। मैं परेशान हो गया, शायद मैंने कोई जुमला ऐसा कह दिया जो खिताबत में कभी एक जुमला निकल जाता है। फिर मैंने जाके फिर दोबारा उस हदीस को चेक किया, मैंने देखा हदीस बिल्कुल वैसी थी जैसी मैंने पढ़ी, मगर इतनी सख्ती उस बुजुर्ग से बर्दाश्त नहीं हुआ। हकीकतन ये हदीस गैर काबिल बर्दाश्त है, बहुत सख्त हदीस है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, शिया सुन्नी के लिए पैगाम है, ए लोगों, अगर तुम अपने बच्चे की तरबियत नहीं करोगे, अगर तुम अपने बच्चे की तरबियत से गाफिल हो जाओगे, स्पेशली माएं गौर से सुने अगर आई हुई हैं, अगर खातून अपने बच्चे की तरबियत से गाफिल हो जाती है, अगर कोई मर्द बच्चे की तरबियत से गाफिल हो जाता है, गाफिल यानी क्या, यानी दुनियादारी में मस्त है, यानी अपने कामों में मस्त है, बच्चे को टाइम ही नहीं देता, बच्चे से गुफ्तगू ही नहीं करता, बच्चा तुम्हारा दोस्त कौन है, बच्चे किसके साथ घूम रहे फिर रहे हो, ये जिनके साथ घूम रहे फिर रहे हो ये कौन है, ये किस घराने के हैं, इनकी आदतें क्या हैं, ये बाप पर वाजिब है जाके देखें मेरा बच्चा किन के साथ घूम रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है। एक हमारे दोस्त थे बेचारे 30-35 साल उनकी उम्र है, हमारी उम्र के हैं, एक मरता हमने देखा सिगरेट पी रहे, हमने कहा अरे तू कब से सिगरेट पी रहा है, उसने कहा मैं 14 साल की उम्र से सिगरेट पी रहा हूँ। मैंने कहा माँ बाप ने मारा पीटा नहीं, कहा माँ बाप ने देखा कब था। कितने माँ बाप है अक्सर बेचारे जो सिगरेट की आदी होते थे उसी 14-15 साल की उम्र से बेचारों को आदत लगती है दोस्तों के साथ। ये माँ बाप की गफलत है, कभी बच्चा शराबी बन रहा है माँ बाप की गफलत, बच्चा जानी बन रहा है माँ बाप की गफलत, बच्चा गुनाहों में पड़ रहा है माँ बाप की गफलत, बच्चा बेनमाजी बन रहा है माँ बाप की गफलत। अब अल्लाह के रसूल कह रहे हैं अगर माँ बाप की गफलत की वजह से कोई बच्चा गुमराह हो गया, अगर माँ बाप की गफलत की वजह से कोई बच्चा गलत रास्ते में चला गया, अगर माँ बाप की गफलत की वजह से कोई बच्चा गलत काम करना शुरू कर दे, अगर माँ बाप की गफलत की वजह से कोई बच्चा बेनमाजी हो जाए, अगर माँ बाप की गफलत की वजह से कोई बच्ची बेहिजाब हो जाए, अगर माँ बाप की गफलत की वजह से कोई लड़का नामहरम लड़की के साथ चैटिंग में मशगूल हो जाए, अगर माँ बाप की गफलत की वजह से कोई लड़की नामहरम लड़के के साथ चैटिंग में मशगूल हो जाए, अगर माँ बाप की गफलत की वजह से, अब मैं गफलत को थोड़ा और खोलूं क्योंकि हदीस बहुत बहुत सख्त हदीस है, शायद आपसे ही बर्दाश्त ना हो। माँ बाप की गफलत यानी क्या, एक हमारे दोस्त थे कनाडा में, उन्होंने कहा पता है हमने सर्वे किया, हमने तहकीक की, हमने रिसर्च की, कनाडा का वाकया बता रहा हूं यहां का नहीं, उन्होंने कहा तकरीबन पूरे हफ्ते में माँ बाप जो काम पे जाते हैं क्योंकि वहां पे खर्चे बहुत महंगे होते हैं, माँ को भी काम करना होता है बाप को भी काम करना होता है, उसने कहा माँ बाप दोनों काम पे जाते हैं और जब बच्चे सोए भी होते हैं माँ बाप घर से निकल जाते हैं और जब वापस आते हैं बच्चे सोए भी होते हैं, कहा पूरे हफ्ते में 2 से 3 घंटे मां बाप बच्चे को दे सकते हैं, इतना दुनिया में मस्त है, इतना माल कमाने में मस्त है, इतना पैसे कमाने में। अब 3 घंटा आप पूरे हफ्ते में बच्चे को देंगे तो महीने में तो 12 घंटे हुए, 12 घंटे बच्चे को क्या सिखाएंगे, 6 घंटे तो रोजाना स्कूल जा रहा है और क्या दोस्त है आपको पता नहीं, मोबाइल पे क्या कर रहा है आपको पता नहीं, लैपटॉप पे क्या कर रहा है आपको पता नहीं। अच्छा ये तो वहां है ना, यहाँ तो माशाल्लाह इतना बड़ा शहर भी नहीं है, छोटा शहर है, शायद आप दिन में 3 घंटे बच्चों को दे सकें, वाजिब है। अगर आप देख रहे हैं कि दिन में 3 घंटे आप दे सकते हैं, 3 घंटे बच्चों को दी, बच्चों के साथ खेलिए, बच्चों को टाइम दीजिए, उनके साथ गुफ्तगु कीजिए, यानी कि मैं बूढ़ा हो गया हूं मैं बच्चे के साथ खेल नहीं, आप पर वाजिब है बच्चे के साथ गहरा कनेक्शन हो ताकि आपको पता तो चले बच्चे के अंदर क्या है, बच्चे के दिल में क्या है, बच्चे के दोस्त कौन है। अगर आप गाफिल हो गए तो बच्चा नहीं लाओ ना, अगर टाइम नहीं है तो बच्चा नहीं लाओ, जैसे मैंने कहा कि बच्चे लाना वाजिब नहीं है मगर अब लेकर आ गए हो तो बच्चे की तरबियत करना वाजिब है। लेकिन अब सुनिए हदीस, अगर माँ बाप की गफलत की वजह से बच्चा गुमराह हो गया,
अल्लाह के रसूल की हदीस है, ये मैंने आज फिर दोबारा रीचे की जब उस बेचारे बुजुर्ग ने हाथ जोड़ेगा किबला ऐसे ना पढ़िए, मैंने कहा हदीस तो सुनाओ ना, पता तो चले कि कितना बड़ा गुनाह हो रहा है। मैंने अभी क्या कहा, इश्क रसूल शिया के दिल में भी है, सुन्नी के दिल में भी है, तो इताअत करो ना, इश्क यानी इताअत, अली से सीखो इताअत। अली ने कहा जान जाती है तो जाए, नमाज जाती है तो जाए, मगर इताअत रसूल नहीं जाए। इताअत सीखिए। अब सुनिए, जिसके दिल में हकीकी इश्क रसूल होगा इस हदीस के बाद खुदा की कसम कभी बच्चों से गाफिल नहीं होगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, असहाब को कहा, आखिर जमान के बच्चों के बारे में गुफ्तगू थी, कहा कि आखिर जमान के बच्चे जो हैं वो गुमराह हो जाएंगे। बहुत लंबी चौड़ी हदीस है। लोगों ने कहा क्या वो मुशरिक होंगे उनके माँ बाप, कहा नहीं मुशरिक नहीं होंगे, मुसलमान होंगे। और फिर फरमाया कि वो माँ बाप जो अपने बच्चों से गाफिल हो जाते हैं और माँ बाप की गफलत की वजह से बच्चा गुमराह हो जाता है, बच्चा गुनहगार हो जाता है, बच्चा शराबी हो जाता है, बच्चा जिनाकार हो जाता है, बच्चा नामहरमों के साथ चैटिंग करता है, बच्चा गुनाह करता है, बच्ची बेहिजाब बन जाती है, अगर माँ बाप की गफलत की वजह से, तो वो माँ बाप सुन ले, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं वो माँ बाप अमल से अपने रसूल पर तबर्रा कर रहे हैं। मैंने बड़ी तमहीद बताई आपको, फिर मैं बता सका भाई, है कोई मुसलमान शिया हो या सुन्नी जो इतना बड़ा गुनाह करे, मगर हर वो बाप जो बच्चे से गाफिल है, हर वो माँ जो अपने बच्चे की तरबियत से गाफिल है, वो अमल से नऊज़ बिल्ला तौबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रसूल से बेजारी कर रही है। और फिर अल्लाह के रसूल ने सुना क्या कहा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कयामत के दिन मैं भी उससे तबर्रा करूँगा, मैं भी उससे बेजारी करूँगा, यानी अब वो मेरी उम्मत में नहीं है, अब उसकी शफात नहीं करूँगा, डायरेक्ट जहन्नम। इससे सख्त रिवायत और क्या सुनाओ। और कल आपने रिवायत सुनी कि भाई आप अगर बच्चों की तरबियत न करें, खुद नेक नमाजी, फिर भी जहन्नुम में। और फिर आपने सुना अगर आप बच्चों की तरबियत करके जाएं तो सात काम अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर करोगे, तो अगर सात काम करके मरोगे या इनमें से कोई एक काम करके मरोगे तो तुम्हें मुसलसल सवाब मिलता रहेगा, जिनमें से एक क्या था, तरबियत औलाद। अगर बच्चे को आजादार बनाओगे तुम मर जाओगे, जब तक वो आजादारी करेगा तुम्हें सवाब मिलेगा। बच्चे को नमाजी बनाओगे तुम मर जाओगे, जब तक वो नमाज पढ़ेगा तुम्हें सवाब।